भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक की तलाक की जो खबरें हैं वो लगातार आ रही हैं, लेकिन ये दोनों ही चुप्पी साधे बैठे हैं। इन दोनों में से किसी ने भी अब तक इस बात का ऐलान नहीं किया है, जबकि माना जा रहा है कि इन दोनों का तलाक हो चुका है। बस कुछ ऑफिशियल वर्क रहता है, दोनों लंबे समय से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, लेकिन दोनों ही तलाक के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए। तो हम आपको बताएंगे कि ये दोनों चुप क्यों हैं। आपको ये बताएं कि इन दोनों ने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखे हैं, इनके कुछ लीगल वर्क बचे हुए हैं और इनको जो है इनके वकील जो भी हैं उन्होंने मना कर रखा है कि अभी वो पब्लिकली इस बारे में ना बोलें, और दोनों ही इंतज़ार कर रहे हैं कि जब ये सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाए, कानूनी जो भी बातें हैं वो सब क्लियर हो जाएं, उसके बाद ये दोनों जो हैं अपने डिवोर्स का ऐलान करेंगे। आपको पता ही होगा कि पिछले दिनों ये खबर आई थी कि शोएब मलिक का पाकिस्तानी एक्ट्रेस आयशा कमर के साथ कुछ ज़्यादा ही करीबी रिश्ता है। ये माना जा रहा है कि उन्होंने अपनी वाइफ सानिया को चीट किया, इसी वजह से जो है उनकी वाइफ सानिया उनसे तलाक ले रही हैं। और क्या ले लिया है, कहा जा रहा है शोएब के करीबी फ्रेंड ने इस बात का खुलासा किया था कि इन दोनों का तलाक ऑलमोस्ट हो चुका है, दोनों अब पति पत्नी नहीं है, बस कानूनी रूप से बस साइन होना रह गया है जिसमें डिक्लेयर हो जाएगा कि सानिया और शोएब अब पति पत्नी नहीं है। आपको बता दें कि शोएब मलिक हमेशा थोड़ा विवादों में रहे, जब सानिया मिर्जा ने उनसे शादी का ऐलान किया था तो भारत में कहीं ना कहीं लोगों को बहुत अच्छा या नहीं लगा था ये बात। बहुत सारे लोगों ने इनसे ये कहना शुरू कर दिया था कि आप भारत में योग्य लड़के नहीं हैं, क्या भारत में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं जिससे सानिया शादी करे। खैर, सानिया ने अपनी पसंद को जो है सबसे आगे रखा और उन्होंने किसी की नहीं सुनी और उन्होंने जो है हैदराबाद में जो है साल 2010 में शोएब मलिक के साथ शादी कर ली थी। जब दोनों की शादी होने वाली थी उस समय भी बहुत बवाल हुआ था। आयशा सिद्दीकी नाम की एक लड़की सामने आई, उसने कहा कि शोएब मलिक मेरे शौहर हैं, इन्होंने साल 2002 में मेरे साथ जो है निकाह किया था और इन्होंने अब तक मुझे तलाक नहीं दिया, तो ऐसे में वो सानिया के साथ शादी नहीं कर सकते। तब शोएब मलिक ने जो है अपनी पहली पत्नी को तलाक दिया और उसके बाद सानिया के साथ उनका निकाह हुआ। साल 2010 में ये शादी हुई थी, साल 2018 में दोनों का एक बेटा हुआ इज़हान, जो कि अब 4 साल का हो गया है। तलाक के बाद इज़हान जो है अपनी माँ के साथ रहेगा, लेकिन बेटे का खर्च जो है वो जो है शोएब मलिक भी देंगे और दोनों मिलजुल कर जो है बच्चे की परवरिश करेंगे, बस दोनों पति पत्नी नहीं रहेंगे। शोएब मलिक का आजकल नाम जो है पाकिस्तानी एक्ट्रेस आयशा के साथ जुड़ रहा है, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया। आयशा जो है टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी हैं, यूट्यूबर हैं और पाकिस्तान की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। शोएब और आयशा ने एक फ़ोटो शूट करवाया था और कहा जा रहा है उसी दौरान दोनों की नज़दीकी बढ़ गई और सानिया मिर्ज़ा को जब इसकी खबर लगी कि उनके पति का अफेयर जो है आयशा के साथ चल रहा, तो उन्होंने अपने पति को तलाक देने का मन बना लिया और फाइनली उन्होंने ये सब पूरा कर भी लिया और सानिया जो है अब अपने बेटे की परवरिश पर ध्यान देंगी, साथ ही अपने खेल पर भी वो ध्यान देंगी। माना जा रहा है कि सानिया मिर्ज़ा के साथ उनके पति ने जो धोखेबाजी की है इससे वो बहुत आहत है और पिछले दिनों उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया था जिसको लेकर ये जिसको पढ़ने के बाद ये कहा गया कि सानिया वाकई में अभी बुरे दौर से गुजर रही हैं। उन्होंने ये लिखा था कि जिनके दिल टूट जाते हैं वो अल्लाह को ढूंढने कहाँ जाते हैं, तो उनके उस पोस्ट से लोगों को लगा कि वो बहुत दुखी हैं और उसके बाद धीरे धीरे उनकी तलाक की बातें सामने आ गई और अब ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि सानिया और शोएब जो हैं अलग हो चुके हैं, दोनों अब पति पत्नी नहीं हैं। शोएब इन दिनों पाकिस्तान में रह रहे हैं जबकि सानिया जो हैं दुबई में रह रही हैं।